हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिव उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जितने भी टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं लखनऊ में, ठीक है, कौन कौन से हैं और मतलब वो कौन से कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस कितनी है और उनमें सीट कितनी है, केवल लड़कियों के लिए यहाँ या फिर मतलब बोथ को एजुकेशन वहाँ फैसिलिटी, मतलब लड़का लड़की दोनों पढ़ सकता है, तो उसको तो हर चीज़ पर जितने भी एस्पेक्ट हैं मैं सब पे वन बाय वन बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में इन तक बने रहना। तो जिनको भी मतलब जिन बच्चों के मतलब मार्क्स जो हैं वो गवर्नमेंट लायक नहीं है, प्राइवेट करना चाहते हैं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं और भी लखनऊ से, तो आप लखनऊ के मतलब जितने भी ठीक अच्छे कॉलेज हैं मैं सबके एक लिस्ट में प्रिपेयर बनाया हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक वन बाय वन करके कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। और देखो, बीएससी नर्सिंग करना मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कर लो, आजकल तो बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, मेन चीज़ कॉलेज मैटर करता है। अगर आप कहीं मतलब आप मान लो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हुई हो, तो आप अगर प्राइवेट करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखेंगे आप किस कॉलेज से पढ़े हो, तो कॉलेज बहुत मैटर करता है। इसलिए कॉलेज जो है बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना चाहिए जिनको भी प्राइवेट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को मान लो ठीक है, बट अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज से सेलेक्ट हो, ताकि एक अच्छे कॉलेज से पढ़ो, ताकि आपके जो डिग्री है उसकी वैल्यू हो हर जगह, ठीक है। तो इसलिए मैं सब पे आपसे वन बाय वन बात करूँगा। तो सबसे पहले देखा जो कॉलेज है, ठीक है, तो सबसे पहला कॉलेज है वो सहारा है, ठीक है, सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये लखनऊ में है। यहाँ पे कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है, यहाँ 60 सीटें हैं और ये केवल जो है केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है। ये केवल ओनली किसके लिए है, लड़कियों के लिए है। और यहाँ पे मतलब जो आपकी मान के चलो जो फीस रहने वाली है एक साल की, वो लगभग 1.5 लाख रुपये होने वाली है, ठीक है। 1.5 लाख के आसपास जो है आपकी फ़ीस रहने वाली है। और इसमें अभी जो मतलब हॉस्टल का फीस जो है वो इंक्लूड नहीं है, आपकी केवल मतलब एक साल की यहाँ की फ़ीस है, तो काफ़ी कॉस्टली है और ठीक है कॉलेज, बट हाँ एक अच्छा कॉलेज है। अगर आपके बजट में आपको बैठ रहा है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन लखनऊ, ठीक है, जो सहारा कॉलेज है। यहाँ पर आपको जो मतलब पेशेंट से एक्सपोजर होगा, आपको जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका बजट है, ठीक है, 1.5 लाख तक, तो आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पर 60 सीटें हैं केवल लड़कियों के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद अगर बात करता हूँ सेकंड नंबर पे, तो दूसरा जो कॉलेज है, ठीक है, जो दूसरा कॉलेज है ये कौन सा है, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, विवेकानंद है ये, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। यहाँ पे कितनी 50 सीटें हैं और जो यहाँ की फ़ीस लगभग लगने वाली है वो 1,19,700 रुपये, ठीक है, जो अभी रिसेंटली फ़िलहाल मतलब जो इसका वाउचर आया है, मतलब जो मतलब कॉलेज की जो लिस्ट आई है, ठीक है, हर कॉलेज की जो ABBM ने रिलीज किया है, तो फ़िलहाल उसकी जो ऑफिशियल PDF है मतलब उस पर तो 1,09,700 इंक्लूड है, बाकी 50,000 मतलब लगभग एक साल की जो मतलब पाँच जो चार साल है, चार साल का आपको टोटल जो कॉस्ट यहाँ पे पड़ने वाला है 5,06,000, ठीक है। तो ये तो मतलब सिर्फ देखिए आपकी मतलब जो यहाँ पे ऑन पेपर, ठीक है, फीस है, बाकी इसके अलावा भी आपकी फ़ीस और लगेगी, इसके अलावा आपके हॉस्टल जो है वो भी इसमें एडअप होगा। तो एक बार आप जहाँ भी एडमिशन लो अच्छे से पता कर लो कि इसकी फ़ीस कितनी है ना। एक साल की पहले साल थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगती है, बाद में फिर सेकेंड ईयर से थोड़ी फ़ीस कम हो जाती है, बट कि आप सब कुछ क्लियर करके एडमिशन लेना कि आपके यहाँ फ़ीस कितनी है, ठीक है, सब कुछ जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है विवेकानंद के बाद आता है समर्पण इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके बाद आता है समर्पण इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है, और यहाँ भी जो फीस आपकी लगने वाली है 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख के आसपास, ठीक है, आपकी फ़ीस जो है लगने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ भी मतलब अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो भी लखनऊ से, तो मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपके लिए, ठीक है, यू कैन चूज़ इट, ठीक है। यहाँ की फ़ीस जो है 1 लाख के ऊपर ही है और
इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है, आप हॉस्टल की फ़ीस कॉलेज से पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बोरा इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोरा इंस्टीट्यूट। बोरा इंस्टीट्यूट में 60 सीटें हैं। यहाँ भी जो फीस आपकी लगने वाली है वो 1 लाख के ऊपर ही लगने वाली है, ठीक है, 1 लाख के, ठीक है, अबव ही लगने वाली है फ़ीस। तो मतलब देखो लखनऊ में लगभग मान चलो कि जितने भी कॉलेज हैं सब में फ़ीस जो है 1 लाख की, या तो 1,90,000 1 लाख है, या फिर 1 लाख से सब में ऊपर है, किसी में इससे कम फीस नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फातिमा कॉलेज की। ठीक है, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये भी लखनऊ में। यहाँ पे कितनी 40 सीटें हैं, ठीक है। जो फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे 40 सीटें हैं। यहाँ की फ़ीस जो है लगभग वो 1 लाख के ऊपर ही है, ठीक है। तो लेकिन काफ़ी मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छा कॉलेज है। इसकी जो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी वो आपकी हर जगह होगी, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा कॉलेज है और बहुत अच्छा पुराना कॉलेज है। तो आप यहाँ से एक बार सोच सकते हो, वो भी इसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट है तो कोई भी जाके एडमिशन ले लेगा, ठीक है। यहाँ भी आपकी रैंक मतलब रैंक और नंबर के हिसाब से होगा। तो मतलब बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है फातिमा से पढ़ना, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट मैरी, ठीक है, सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये भी लखनऊ में ही है। यहाँ पे मतलब 40 सीटें हैं, क्रिश्चियन कॉलेज है। तो यहाँ पे मतलब लड़का लड़की ये भी यहाँ दोनों पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मतलब जो हॉस्टल है, हॉस्टल का भी मतलब वो अलग से होता है, वो आपको फूड का, बाकी जो वहाँ पे आपका रहने का सब कुछ, तो फूड वो अलग से आपको फीस पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे 40 सीट है, ठीक है, 40 सीट है। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है, यहाँ पे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही तगड़े हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत मतलब फ्रीडम मिलने वाली है, लेकिन हाँ पढ़ाई आपको, आप जो वहाँ पे मतलब एक्सपोजर होगा, क्लिनिकल होगा, मतलब इवन वैसे एक कुछ इसमें कॉलेज है जिनका मतलब अटैचमेंट जो है, अटैच जो है KGMU से, ठीक है। तो इनका जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो आपको यहाँ मतलब वो आपका यहाँ से कराएंगे वो KGMU से, ठीक है। तो आपके पास मतलब एक अच्छा चांस होगा कि थोड़ा आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए, तो इसलिए आप इसको चूज कर सकते हो। मैं मतलब अभी हम लोग की क्लिनिकल पोस्टिंग लगी थी, उसमें देखा कि मतलब सेंट मैरी के बच्चे आए हुए थे। तो मतलब इसका मतलब है कि उनका जो अटैच है मतलब KGMU से है। तो अगर आप मतलब यहाँ से करते हो तो आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना है काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, इसके बाद सेंट मैरी के बाद तो डिवाइन, ठीक है, डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एक करके है, ठीक है, डिवाइन इंस्टीट्यूट करके है, ठीक है। जो डिवाइन इंस्टीट्यूट है यहाँ भी मतलब कितनी 40 सीटें हैं, ठीक है, 40 सीटें। ये भी लेकिन केवल किसके लिए हुए, ओनली फॉर फीमेल, ये भी किस किस के लिए, केवल फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी लेकिन फीस यहाँ की भी मतलब 1 लाख के आसपास है, ठीक है। तो आप भी इसको देख सकते हो। उसके बाद आता है डॉक्टर आंचल सिंह इंस्टीट्यूट, डॉक्टर आंचल सिंह इंस्टीट्यूट, ठीक है, डॉक्टर आंचल सिंह इंस्टीट्यूट जो है ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है, और यहाँ की भी जो फीस है वो लगभग 1 लाख के ऊपर, ठीक है, 1 लाख के ऊपर होने वाली। बाकी हॉस्टल इसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है हॉस्टल, हॉस्टल का अलग से लगेगा, ठीक है। तो डॉक्टर आंचल सिंह इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद आता है हिंद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ठीक है। तो हिंद मेडिकल कॉलेज है, भी लखनऊ में है। यहाँ भी मतलब जो कितनी सीटें हैं, यहाँ 40 सीटें हैं। यहाँ मतलब प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ MBBS की भी मतलब पढ़ाई होती है, उसके साथ साथ BSc नर्सिंग की भी होती है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिंद में भी आपको इसका जब खुद का अपना हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। अच्छा पेशेंट से आपका अच्छा इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स अवेलेबल होंगे आपके पास, ठीक है। तो यू कैन चूज इट, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद बात करते हैं काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, पॉपुलर कॉलेज कौन सा है, ईरा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। जो ईरा मेडिकल कॉलेज है भी मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे लगभग आई थिंक 100 के आसपास सीट है, लेकिन यहाँ की जो फीस है वो लगभग 1.5 लाख के ऊपर ही है, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास फीस है, इतना या तो फिर इससे ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी मतलब महंगा कॉलेज है, लेकिन आपके लिए मतलब समझो कि इसकी जैसे प्राइवेट जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे KGMU की जो चीज़ वैल्यू है, वैसे प्राइवेट कॉलेजों में मान के चलो कि ईरा की, ठीक है, उसकी अपनी वो वहाँ पे पोजीशन है, ठीक है।
तो इसलिए आप एरा को चूज कर सकते हो, बट काफ़ी महंगा कॉलेज है। आपके बजट में, बजट फ्रेंडली है तो आप ठीक है इस पर एक बार यहाँ पर आके बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आवाज़ इंस्टीट्यूट की। ठीक है, आवाज़ इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे कितनी 40 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बोथ, ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, तो हालांकि मतलब यहाँ पे जो फीस है वो भी लगभग 1 लाख के आसपास फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, 1 लाख के आसपास जो है आपकी फ़ीस टोटल रहने वाली है एक साल की, और इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं, हॉस्टल का अलग से पैसा लगेगा। ठीक है, तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो जो भी मतलब आपके बजट में ठीक ठाक बैठ रहा हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ पे आप फीस ही ना दे पाओ। तो मतलब आप ठीक है अपने सब कुछ जो मतलब है, मैंने मतलब काफ़ी इसमें कॉलेज बता दिए हैं, तो आप ठीक है एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको जो जैसा मतलब सही लगता है। ठीक है, काफ़ी मैं कॉलेज आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लो कि जो भी मतलब आपके बजट में ठीक ठाक बैठ रहा हो। ठीक है, और देखो प्राइवेट से भी करना मतलब कोई बहुत ख़राब बात नहीं है। अगर आप ऐसा है कि बस आप गवर्नमेंट से करो तभी आपको जॉब मिलने वाली है, जब आप मतलब जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होगे तो वहाँ पे नहीं आपसे पूछने कोई आएगा कि आप प्राइवेट से पढ़े हो कि गवर्नमेंट से पढ़े हो। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको आपके पास नॉलेज है तो आप गवर्नमेंट वाले बच्चों से पहले आप ठीक है एग्ज़ाम क्लियर करके आप जॉब पा जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप मतलब गवर्नमेंट से पढ़ो प्राइवेट से पढ़ो, अगर अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप तो ही आपके मतलब डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो मतलब कुछ बात होगा कि मतलब कौन कौन से कॉलेज जो है अच्छे हैं जो मतलब लखनऊ के, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई आपका भी अगर डाउट रह जाता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे से जाकर ठीक है आप पूछ सकते हो अपने जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।